इधर देखो, बोलो हाय आई एम ए ट्रांस हिमालय, बोलो बोलो ना आई एम ए ट्रांस हिमालय है ना, ये लल्ला है, बोलो आई एम बिराज हिमालय, बोलो हिलाओ हिलाओ बिराज हिमालय है, बोबन उठा हाथ, बोलो आई एम मध्य हिमालय है, बोलो आई एम शिवालिक, हाँ सुनिएगा। इसी तरीके से हिमालय की चार श्रेणियां है ना, जो उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। सबसे उत्तर में कौन है? सबसे उत्तर में शिवालिक के, फिर उत्तर में मध्य हिमालय, शिवालिक के उत्तर में मध्य के उत्तर में बीरहद के उत्तर में, ठीक है एकदम ऐसे है खड़ा हुआ, ठीक है। अब कहेगा सबसे ऊंचा कौन है, आप सब बता दिएगा सबसे ऊंचा कौन है, सबसे चौड़ा कौन है, सबसे चौड़ा कौन है, ठीक है। और सबसे उत्तर में कौन है, कौन है? अब देखिए इसका चेहरा देखिए, गोर है, गोर का है, ठंडा प्रदेश में रहता गोर है, आया संतोष को देखा ये सांवला है, काला नहीं कहेंगे है ना, सांवला है, काहे के एकदम सबसे दक्षिण में रहता है, और दक्षिण में गर्मी ज्यादा पड़ता है जिससे थौसा गया थौसाया है, तो इसलिए गोर है, ठीक है। फिर सुनिएगा, अब देखिएगा ये इसके दक्षिण में है यानी उत्तर में है, अब उत्तर में है तो ऐसे है, अब ई वाले साइड में ट्रांस हिमालय है और उत्तर साइड में खाली बर्फ है, साइबेरिया रूस का क्या है, साइबेरिया, तो साइबेरिया में खाली बर्फ पाया जाता है, अब बर्फ पाया जाता है गोरे लाल पे खाली बर्फ होगा, क्या होगा, तो बर्फ में पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा होगा है ना, तो कहेगा हिमालय का कौन सा भाग बर्फ से ढका है, कौन सा भाग, फिर कहेगा ट्रांस हिमालय में पेड़ पौधा यानी वनस्पति होगा, नहीं होगा। अब ये ट्रांस हिमालय से निकलता है क्या क्या, तो आपका निकलता है वो आपका ये नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी है ना, फिर है देखिए सतलज नदी, ठीक है। ये सब नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलेगी, इसी में है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन है ना, कैलाश सरोवर, कैलाश बांध सरोवर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा सियाचिन कहाँ है, सियाचिन कहाँ, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, किससे ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा क्लियर है। चलिए ये हिमालय बनने से पहले है यानी लल्ला से भी पुराना है ना, हिमालय बनने से पहले है। अब आते हैं बीरहद हिमालय, बीरहद हिमालय को देखिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे। बीरहद हिमालय हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी, इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां सब इसी में है। लल्ला हाथों फैलाओ ना, ऐसे करके, ऐसे करके फैलाओ, हाँ। तो अब मान लिए जाए कि ये हो गया K2, ये K2 हो गया, K2 हो गया, नंगा पर्वत हो गया, आई सब है नहीं, कामेत हो गया, आई इधर पर नामचा बर्फा हो गया, पूरब में क्या हो गया, पूरब में, पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में है ना, फिर है देखिए ये हो गया आपका एवरेस्ट माउंटेन है ना, ऊपर में क्या हो गया माउंट एवरेस्ट, कहेगा माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है, किस हिमालय में, कंचनजंगा किस में, कंचनजंगा किस में, नामचा बर्फा किस में, तिरंगा पर्वत किस में, केटू किस में, याद हो गया है ना, तो कहेगा विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां किस में, बीरहद है ऊंचा है से ढका होगा है ना, इसका टोपी खाली है, ऊंचा टोपी है किसी के पास जी, नहीं, ये सबसे ऊंची चोटी जो होगा इसका ऊंचाई वाला भाग है ना, ये सब बर्फ से ढका हुआ होगा है ना, इसका सीना, इसका ऊंचाई वाला चोटी क्या होगा, बात समझ में आया। अब बीरहद हिमालय के बाद कौन है, कौन है, हाथ डुला हो, कौन है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय में जितने भी हिल स्टेशन यानी पर्वतीय नगर जिसको कहते हैं नैनीताल, शिमला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी नगर, ये सब कहाँ होगा, कहाँ होगा, अगर कहेगा नैनीताल के हिमालय में, डलहौजी नगर के हिमालय में, है ना, फिर है देखिए मसूरी के हिमालय में, समझ में आया है ना।
चले हाथ गया तो शिवाली ऊपर हाथ उठाओ एकदम, हाँ ऊपर नीचे करते रहो, आई एम शिवाली ठीक है। अब देखिएगा शिवालिक है तो शिवालिक से पहला लाइन लिखेंगे शिवालिक हिमालय अभी हिमालय के निर्माण अवस्था में, देखिए भी पढ़ रहा उसका लंबाई है ना, ये सबसे छोटा है, सबसे क्या है छोटा है, और हिमालय के सबसे दक्षिण में, सबसे है ना, ये हिमालय का ये मतलब शिवालिक जो है बिहार को छूता है, बिहार को छूता है, और ये अभी निर्माणावस्था में ही हिमालय के गिरी पाद में, गिरी मतलब गिरी मतलब पर्वत, पाद मतलब पैर, यानी हिमालय के पैर के पास है, पास में आया। अब इसको कैसे कैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा जो सुनिएगा, पहला कहेगा हिमालय की कौन श्रेणियां भी निर्माणावस्था में है, सबसे पुरानी कौन है, हिमालय से पहले सबसे पुरानी कौन है, हिमालय की किस श्रेणी में ऊंची ऊंची चोटियां, हिमालय की किस श्रेणी में देखिए पर्वतीय नगर, है ना, हिमालय का कौन सा श्रेणी बर्फ से ढका होता है, हिमालय का किसका ऊपरी हिस्सा बर्फ से ढका होता है, याद हो गया, ताली मार दीजिए लोग, धन्यवाद भैया।